नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं वायरल सच। आज लोहड़ी का त्योहार है और कहीं ना कहीं लोहड़ी का त्योहार पंजाबी समाज के अंदर बड़ा ही पवित्र माना जाता है। और गुरुग्राम के वार्ड नंबर 16 की मदनपुरी की 11 नंबर गली में इस समय हम मौजूद है और आप देख सकते हैं कि हालात क्या है यहाँ पे। कहा तो ऐसा जाता है कि अप्रूव्ड कॉलोनीज में मकान लेना है, टैक्स प्रॉपर भरना ताकि आपको प्रॉपर सुविधाएं मिल पाए, लेकिन त्योहार के समय में कैसी सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है आप देख सकते हैं कि सीवरेज ब्लॉकेज है। और बताया तो ये जा रहा है कि लगभग 6 दिनों से यहाँ पे ब्लॉकेज है। और उससे भी बड़ी बात आपको बताएं कि गुरुद्वारा साहब के पास भी लोहड़ी के त्योहार पे सीवरेज का पानी है। कैसी श्रद्धा यहाँ पे दिखाई जा रही है और कैसा सचेता प्रशासन, ये सभी सवाल यहाँ की जनता से ही जानना चाहेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो रोष यहाँ की जनता में यहाँ पे मौजूद है, लोग उनसे जानने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से यही अपील है कि आप फटाफट से विकास की इस तस्वीर को शेयर कर दें ताकि प्रशासन के आला अधिकारियों तक, सरकार तक आवाज पहुंच सके और मदनपुरी 11 नंबर गली वार्ड नंबर 16 के लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल सके। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे। सर, आपका नाम क्या है? आओ भैया। सर, क्या नाम है? मेरा नाम है मनीष शर्मा जी। मनीष जी, क्या ये समस्या और कब से है? ये समस्या को कम से कम 8-10 दिन हो गए हैं जी। सारा पानी जो है, पूरा सीवर का पानी सारा बाहर निकल रहा है। उसके बारे में 20 बार कंप्लेंट कर ली, बुला लिया, जो आता है वो कहता है हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट खराब हो गए, पूरे गुड़गांव की मशीन ही नहीं है। वो बाइक मशीन आती है, वो यहाँ से पानी निकालती है, वो पानी फिर वहां से निकल आता है। ये जो हालात है, हमें से मरने के लिए छोड़ दिया बस। ये बीमारियां हैं, कोई होती है तो हो जाए। एक को फोन करो, वो कहता है भाई साहब उसको बोल दिया, वो कहता है उसको बोल दिया, काम वही का वही है, इसका कोई इलाज ही नहीं हुआ। सर, कुछ दिन पहले कहा तो ऐसा भी जा रहा था कि कोविड दोबारा से फैलने वाला है और यहाँ पे ये अब वो उनका ध्यान है कि कोविड से कोई मरे नहीं मरे, बाकी बीमारी से मरे तो कोई बात नहीं, उसमें मुआवजा नहीं देना ना। बाकी बीमारी से कोई मर जाए कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई यहाँ गिर के मरेगा, कोई भी किसी बीमारी से मरेगा, किसी को कोई फर्क नहीं है। थोड़े दिन में इलेक्शन आ जाएंगे, फिर सब वोट लेने पहुंच जाएंगे, उसका काम हो जाएगा। बाकी यहाँ कोई देखने वाला नहीं, बाकी सब चलना चलने दो। हाँ जी भाई, एक हफ्ते से ज्यादा टाइम हो लिया, जे ही से कहे उससे फोन करो सुपरवाइजर से। सुपरवाइजर का मेरे पास कोई साधन नहीं, मैं तो ये फंटी मरवा सकता हूँ, मशीन नहीं है मेरे पास, इसका इलाज कौन करेगा? फिर ऊपर तक फोन कर लिए, कोई सुनाई नहीं है। 10 दिन हो जाए सड़ते रहे, इनमें बीमारी फैलेगी नहीं फैलेगी? नहीं बीमारी फैलेगी, जबकि सर्दी के में जुकाम खांसी बुखार का वैसे चल रहा है और इससे और बीमारी फैलेगी। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? आज देखो, सरकार से अपील तो यही साफ करवा दे, सरकार तो खत्म है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, प्रशासन का प्रशासन खत्म है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, 4 दिन पहले करेगा, 4 दिन बाद फिर यही हाल हो गया जी। कहाँ कहाँ पे कंप्लेंट की, कितनी परेशानी आपको हो रही है? सर, क्या कहें, देख रहे आप सामने, परेशानी हमारे यहाँ पे। हम कुछ महिलाओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार नरक की स्थिति में यहाँ पे लोग रह रहे हैं। और कहीं भी अपील की गई है, शिकायत की गई है, अभी तक कोई समाधान इनका नहीं निकल पा रहा। आप देख सकते हैं कि मदनपुरी गली नंबर 11 लोकेशन बार बार बताई जा रही है। सरकार से अपील है, प्रशासन के आला अधिकारियों से अपील है कि लोहड़ी का त्योहार है और ऐसे त्योहार मनाया जा रहा है। मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि इस तरह की प्रॉब्लम का रिजॉल्व करने के लिए हमें किस से कॉन्टेक्ट करना है? हम हर रोज 2-2, 3-3 फोन करते, कभी पिक करते, कई बार पिक ही नहीं करते, आधे आधे घंटे हम फोन कर रहे हैं। तो अब हमें ये बताओ कि हमें किस से कॉन्टेक्ट करना है जो हमारी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। जी मैम, सबकी यही प्रॉब्लम है, सबकी यही प्रॉब्लम है। एक हफ्ता हो गया कॉन्टिन्यूशन में हम सबको कॉल कर रहे हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग एनी रिजॉल्व। रोज का यही ड्रामा है, मतलब कि हर महीने ये होता है पर हमें रोज इनके पीछे फॉलोअप करना पड़ता है, बट हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसे जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए और हमें ये बताया जाए कि हमें किसके पास जाना है। जैसे उन्होंने बताया कि हमें पता ही नहीं है कि कौन कॉन्टेक्ट हमें वापस करेगा, कोई फोन ही नहीं पिक करता, जिनका भी नंबर है हमारे पास प्रशासन में, जिसका भी नंबर है वो हमें कोई रिप्लाई नहीं दे रही। जो फोन पिक करता है वो कोई उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिनके पास सॉल्यूशन है वो फोन नहीं पिक करते हैं। तो अब हमें बताओ कि हमें किससे कॉन्टेक्ट करना है। जी बिल्कुल, बहुत जल्दी नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं और कॉन्टेक्ट किससे करना है वो लोग खुद यहाँ पे वोट मांगने आएंगे। फैसला जनता को करना है कि उनका स्वागत कैसे करना है, कि जिस प्रकार से नरक की स्थिति में यहाँ पे लोग रह रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारा साहिब के पास
और ऐसे त्योहार के समय में जब सीवरेज का पानी यहाँ पे गंदा पानी यहाँ पे है तो किस प्रकार की श्रद्धा प्रशासन के द्वारा सरकार के द्वारा दिखाई जा रही है और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी पारस जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते प्रवीण जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और लोगों की आवाज सुनी। आज त्योहार का दिन है, लोहड़ी का त्योहार है, पंजाबियों का एक बड़ा त्योहार माना जाता है कि इस वक्त पे लोग रोज शाम को यहाँ पे ना किसी के घर में पहली लोहड़ी भी हो सकती है, किसी घर त्योहार का टाइम है। अब हाल देख लीजिए, आपको लग रहा है यहाँ पे दो आदमी भी इकट्ठे खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर सुपरवाइजर को कंप्लेंट कर दी गई है, जेई को इन्फॉर्म किया, जेई साहब बोलते हैं जी मशीन जो है वो अभी खराब चल रही है, वो तकनीकी खराबी कारण भेज नहीं पा रहे, कल शाम तक भेज देंगे। कल बात हुई, अब इस बात को एक हफ्ता होने को आ रहा है, कल मेरी पर्सनली भी बात हुई है, आज सुबह मेरी मनोज जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनसे बात हुई है, तो उनको मैंने यही बोला गुस्से में भी कि भैया अब क्या किया जाए इसके लिए भी, क्या मुख्यमंत्री के गेट पे जाके भीड़ लगाई जाए या यहाँ हम लोग इस गंदे पानी में बैठ जाएं। 100-150 लोग जब तक नहीं दिखते सुनवाई नहीं करते, पार्षद जी तो लगे हुए जनसंपर्क अभियान करने में, इस गली में क्यों नहीं हो रहा जनसंपर्क अभियान, क्या हम लोग यहाँ चाय नहीं पिलाएंगे? उनको पता है यहाँ पे वोट मांगने आएंगे, वोट तो छोड़िए, यहाँ पे वोट की चोट ऐसी पड़ेगी ना दोबारा बन नहीं पाएंगे 10 साल तक। 10 साल कम होते हैं क्या सर? 10 साल कम होते हैं क्या? पिछली बार यहाँ पे सीवर की लाइन कब डली थी किसी को याद है? 35 साल पहले। तो भैया फिर पार्षद जी काम क्या किया? वैसे तो जनसंपर्क अभियान में जा जाके फूल की मालाएं आप पहन रहे हो, हम भी बनाएंगे फूल की मालाएं, आप आइए ना सर, मांगिए हमसे वोट। हालत देखिए सर, सीवर यहाँ पे पूरा भरा पड़ा है गुरुद्वारे साहिब के बाहर। वैसे ये लोग बोल रहे थे ये है वो है, ये हरकतें इनकी, तो इसके शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और मेरी प्रशासन से अपील है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है इमीजिएटली उस पर सुनवाई हो, इमीजिएटली उसका सोल्यूशन हो, क्योंकि ये बीमारियों का घर है। कोने पे देखिए मिठाई की दुकान है, हर वहां पे घरों में आसपास के घरों में मिठाई यहां से जाती है, कितने लोग एक साथ बीमार हो सकते हैं? तो शर्म की बात है सर, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो हमारे यहाँ के विधायक हो, चाहे वो प्रशासन हो, जो भ्रष्टाचार का फैला रखा है ना उससे निकल के कुछ काम कर लीजिए, ये मेरी अपील है। जी जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि विकास की तस्वीर यहाँ पे लाइव वायरल सच के कैमरे पे आप देख रहे हैं और पार्षद जी के जनसंपर्क अभियान के ऊपर यहाँ पे कटाक्ष किया जा रहा है कि किस प्रकार के जनसंपर्क, किस प्रकार की मालाएं और किस प्रकार का विकास यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वायरल सच की यही अपील कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जनता की मूलभूत सुविधा है। और बड़े शर्म की बात है कि साइबर सिटी को त्योहार के दिन ऐसी सुविधाएं दी जाती है तो कहीं ना कहीं, और लगभग 6 दिन से ऐसा बताया जा रहा है कि 6 दिन से यहाँ के लोग जो कहीं ना कहीं मजबूरी वश जगह जगह पे फोन करने को मजबूर है, सरकार से अपील कर रहे हैं, प्रशासन से अपील कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सरकार आगामी चुनावों की तैयारी कर रही है और चुनावों की तैयारी के समय पिछले 5 साल का काम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप सभी से अपील कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि किस प्रकार का विकास गुरुग्राम के अंदर हुआ है और आगामी चुनावों में आप किस प्रकार के जनप्रतिनिधियों को सत्ता में लाना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले प्रशासन से अपील कि आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए, आपका काम है यहाँ पे जो जनता को सुविधाएं मुहैया करवाना और इस नरक से बाहर निकालना।